दोस्तों ये 2 टन का एसी है और इसका कंप्लेन है कि ये एसी में कूलिंग नहीं हो रहा था। जब मैं आउटडोर के पास आया तो आउटडोर तो चालू था और इंडोर चालू था, लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा था। जैसे मैं मैनिफोल्ड गेज लगाया तो इसमें गैस नहीं था, और उसके बाद से मैंने क्या किया, फुल बॉडी ओपन किया, आइसोलेटर बन करके फुल बॉडी ओपन किया, पूरा इंटरनल चेक किया, कंडेंसर कॉयल चेक किया, कंप्रेसर का पूरा सेक्शन, डिस्चार्ज का लाइन भी चेक किया, कहीं पे भी मुझे लीकिंग का प्रॉब्लम नहीं मिला। फिर से मैंने क्या किया, गैस डालना चालू किया, कवर को बंद किया और एसी को चालू कर दिया। उसके बाद से क्या हुआ कि हमारा कंप्रेसर भी चालू हो गया और इसमें गैस था नहीं तो मैंने गैस डाल दिया। अभी जो मैंने गैस डाला है दोस्तों वो 70 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी वो 70 बैक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसमें लीकेज है, इसमें गैस लीकेज है, तभी गैस पूरा का पूरा निकला हुआ था। अगर गैस लीकिंग नहीं होता तो हमारा गैस नहीं निकलता और गैस परमानेंट होता। एक बार एसी में हम डाल देते हैं, जब तक रहेगा गैस एसी में, जब तक कहीं लीक ना हो जाए, और इसमें लीकिंग था तो इसलिए पूरा गैस निकल गया था। अगर इसमें 5-10 PSI का प्रॉब्लम होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, हम 5-10 PSI डाल देते। और इसमें टोटली गैस नहीं था, टोटल गैस निकल गया था। उसके बाद से हमारा कंप्रेसर चल के हीट होकर बंद हो रहा था और ये प्रक्रिया बार बार हो रहा था, और एक टाइम ऐसा आता कि कंप्रेसर बार बार हीट ऑफ बंद होता तो हमारा कंप्रेसर भी ख़राब हो जाता। तो मैंने क्या किया कि गैस तो मैंने डाल दिया, एसी फ़िलहाल चालू हो गया, लेकिन लीक मुझे नहीं मिला है। और बहुत दोस्तों इंटरनल कंडेंसर कॉइल और पूरा कंप्रेसर के पास से चेक करने के बाद भी मुझे लीकिंग का प्रॉब्लम नहीं मिला। उसके बाद से जैसे मैंने गैस डालना चालू किया, एसी चालू हुआ, तो दोस्तों मुझे एक जगह गैस थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ है। अभी मैंने श्योर 100% नहीं बता सकता हूँ, उसको चेक करेंगे मालूम चल जाएगा, लेकिन आयल आया हुआ है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको कहीं लीकेज नहीं मिलता है तो ये फिल्टर ड्रायर है, फिल्टर ड्रायर के यहाँ से आसपास ये लीकिंग हो सकता है। यहाँ से कई बार लीकिंग मिल जाता है, देखने में लीकिंग नहीं रहता है, लेकिन जब चेक करते हैं तो यहाँ पे बबल आने लगते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया, लेकिन यहाँ पे लीकेज नहीं है। लीकेज दोस्तों यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ लीकेज कहाँ पे। जो लीकिंग है ये सेक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है। तो सेक्शन लाइन में प्लास्टिक का कैप लगा हुआ है, ये बहुत हार्डली टाइट कर दिया गया, अभी मैं इसको खोलूँगा। और इस डिस्चार्ज में भी प्लास्टिक का कैप लगा हुआ है, और इसमें क्या होता है, सर्विस वाल लीक अंदर से ना इसका स्प्रिंग लूज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से गैस वन बबल्स निकलने लगते हैं, बहुत धीरे धीरे बबल्स निकलते हैं। अब 15-20 दिन महीना दिन लग जाता है गैस को ख़त्म होने में, और गैस हो जाता है ख़त्म। तो मुझे ना ये डिस्चार्ज पे प्रॉब्लम लग रहा है कि यहाँ से लीकेज हो सकता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा आयल आया हुआ है, ये भीगा हुआ है, आयल से भीगा हुआ है। और मैं चीज़ एक और दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा आयल से भीगा हुआ है, और आप यहाँ जब ध्यान से देखेंगे तो अंदर की तरफ से गैस ना ऐसे बबल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं। आपको अभी नहीं मालूम होगा, मैंने क्या करता हूँ, इसको पानी डालता हूँ या तो लिक्विड डालता हूँ, आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे बबल्स आ रहे हैं, कैसे लीकिंग हो रहा है, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको पानी से चेक कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि लीकिंग है। दोस्तों मैंने एक प्लास्टिक में पानी ले लिया हूं, और क्या करूंगा, पानी जैसे इसके मुंह के पास लेके जाऊंगा, आप देखिएगा कि कैसे बबल्स आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कैसे बबल्स निकल रहे हैं, वन बूंद करके निकल रहा है, और ये क्या होगा 4-5 दिन के अंदर ये पूरा गैस लीकेज हो जाएगा, यानी गैस एम्प्टी हो जाएगा और कंप्रेसर फिर वैसे ही हो जाएगा, हमारा एसी कूलिंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रास का एक डमी नट लगाएंगे, जिसको डी नट भी बोलते हैं, और उसको अगर हम टाइट करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक और आइडिया है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ, वो स्प्रिंग को निकाल के और फिर से हमारा ये लंकी से ओपन करके अंदर एक इसको लंकी से ओपन करने के बाद से अंदर एक प्लास्टिक का रबर डालना पड़ेगा। जब प्लास्टिक का रबर डाल के उसको बैठा के फिर हम अगर स्प्रिंग लगा देंगे तो उस टाइम भी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे इजी जो डिडनट है, अगर हम डिडनट लगा के अगर इसको हम टाइट करेंगे तो सबसे इजी प्रोसेस है, और हमारा ये लीकिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का आपको एक डिडनट लेना है और कैसा करना है। तो ये 3 का है, 5/8 हाफ क्वार्टर, हर एक चीज़ मिल जाता है, अगर जहाँ से आपको लीकेज होगा वैसे मार्केट में मिल जाएगा। तो ऐसे आपको एक डिडनट लेना है, और इसमें कुछ नहीं करना चाहे तो आप यहाँ पे टपनो लगा सकते हैं। टपनो नहीं लगाएंगे तो फिर बराबर से टाइट करना पड़ेगा, मैं टपनो लगा रहा हूँ, ऐसे टाइट कर दूंगा, ऐसे टाइट हो गया, उसके बाद
एडजस्टेबल से टाइट कर देना है, जैसे कि ऐसे टाइट कर देना है, और इसका लीकेज चेक कर लेना है, वैसे नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा टाइट करना, ज़्यादा टाइट करना ताकि यहाँ लीकेज ना हो। तो ऐसे इसका सर्विस ऑल बिना चेंज किए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे आप क्या करते हैं, सर्विस जो वाल है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें डीनेट लगा के टाइट कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन को मैंने देखा है सर्विस वाल चेंज कर देते हैं, और सर्विस वाल चेंज करने के लिए बहुत टाइम चाहिए और लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके वजह से आपके पास अगर डीनेट हो, ब्रास का हो, ब्रास का ही लगाएं, प्लास्टिक का लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे इसमें पहले प्लास्टिक का लगा हुआ था और फिर भी गैस लीकेज हो रहा था। तो दोस्तों फाइनली हमारा एसी का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।